लोग ये कह रहे हैं कि एक जान की कीमत संजय जायसवाल कितनी लगाते हैं, क्या 5,000 रुपए सही बैठती है एक जान की कीमत? एक जान की कीमत बिहार में 5,000, एक आदमी दारू पी के मर जाओ 5,000 रुपया मिली संजय जायसवाल जी के तरफ से। दिन का जिंदगी हम लोग का 5,000 रुपया में हो जाएगा, हमारे इतना समय हम 5,000 रुपया में काम जी सकते हैं, आए और 5,000 रुपया देकर चले गए। देखिए नीतीश कुमार जी से इस पे भी मेरा बहुत अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। मैं 2 सालों से लगातार कह रहा था कि जितने भी बालू माफिया और शराब माफिया ये सब राजद के लोग हैं और यह सब वही लोग हैं जो पहले हत्या और अपहरण का धंधा करते थे, यह इजी मनी हो गया है। चलिए ठीक है, एक और वीडियो है आपका, वो भी काफी वायरल हो रहा था। एक जगह आप जाते थे और लिफाफे में कुछ पैसे दे देते थे, तो लोग ये कह रहे हैं कि एक जान की कीमत संजय जायसवाल कितनी लगाते हैं, क्या 5,000 रुपए सही बैठती है एक जान की कीमत? एक जान की कीमत बिहार में 5,000, एक आदमी दारू पी के मर जाओ 5,000 रुपया मिली संजय जायसवाल जी के तरफ से। हमारे यहाँ का संजय जायसवाल जो आए 5,000 रुपया देकर एक मिनट भी नहीं रुके और यहाँ से चले गए। हमारे पिताजी मर गए, हम अब किस तरह रहेंगे, हमारा व्यवसाय किस तरह चलेगा, हम लोग कौन देने वाला, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसा अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और आए और 5,000 रुपए दिए और फिर चले गए, उससे क्या होगा हम लोग का, क्या दिन का जिंदगी हम लोग का 5,000 रुपया में हो जाएगा, हमारा इतना समय हम 5,000 रुपए में काम जी सकते हैं, आए और 5,000 रुपए देकर चले गए। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी से इस पे भी मेरा बहुत अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, क्योंकि शराबबंदी में कितना लागू है, मैं बार बार नीतीश जी को कहता था कि कहीं शराबबंदी नहीं है, आपकी पुलिस आपके साथ मिल करके और सभी माफिया को सपोर्ट कर रही है, हर मोहल्ले में शराब मिल रहा है, पूरा एक जनरेशन खराब हो रहा है, क्योंकि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया था उसके बदले ये जो शराब के ब्लॉक स्तर पर माफिया बन रहे हैं, वह बहुत सारे युवकों से शराब सप्लाई का काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति शुरू करेगा शराब सप्लाई से कि 500,000 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद जब आप एक गलत काम करते हैं तो दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, इसकी कोई उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। और मेरा यही कहना था कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये जिस आप वीडियो की बात कर रही हैं, मैं जिस स्थान पर गया था वह इतने गरीब लोग थे कि उनके पास खाने का कुछ नहीं था, मैं अपने तरफ से उन लोगों को ज़रूर राशि दिया कि यह एक छोटी, अब चूँकि 12 लोग थे तो वह एक राशि मैंने वहाँ के लोगों से कलेक्ट करके, तो क्या बस इतना नहीं, करना वह था? मैं नहीं बिल्कुल मैंने नीतीश कुमार जी मैंने नीतीश कुमार जी को कहा कि अगर किसी भी कारण से मौत होती है तो उसको वही मुआवजा मिलना चाहिए जो किसी भी एक्सीडेंट में मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का अपना सिद्धांत था और वह तैयार नहीं हुए। मेरा आज भी मानना है कि शराबबंदी से केवल और केवल पुलिस लाभान्वित हो रही है। मैं 2 सालों से लगातार कह रहा था कि जितने भी बालू माफिया और शराब माफिया ये सब राजद के लोग हैं और यह सब वही लोग हैं जो पहले हत्या और अपहरण का धंधा करते थे, यह इजी मनी हो गया है शराब बेचना, लेकिन नीतीश कुमार जी के हिसाब से बिहार में कहीं शराब पहले नहीं बनती थी। अभी नया नया हमने सुना है कि वह 2 करोड़ की एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं जिसमें शराब की बोतलों को तोड़ करके चूड़ियाँ बनाई जाएंगी, मतलब नीतीश जी डिटरमाइंड हैं कि ये 2 नंबर का शराब बनते रहेगा, क्योंकि आप कोई फैक्ट्री लगाइएगा तो उसके लिए तो अनवरत सप्लाई चाहिए। तो नीतीश कुमार जी की दिलचस्पी शराबबंदी में नहीं है, नीतीश कुमार जी की दिलचस्पी अब इसमें हो गई है कि शराब की बोतलों को इकट्ठा करके हम एक फैक्ट्री बनाएं जहाँ पर चूड़ियाँ बन सकें।